देखो आज हमारे पास बड़े बड़े यूट्यूबर आए हैं और बड़ी बड़ी बाइक लेकर आए हैं, तो उनकी पहले बाइक दिखाऊंगा, बाद में पहले दिखाता हूँ भैया से। ये जो वीडियो बना देखो, ये हैं बड़े बड़े भैया। कैसे हैं आप ये बताइए? और कहाँ से आए हो? नोएडा। ये तो भैया उत्तराखंड से आए, झूठ बोल रहे हैं? उत्तराखंड से लेकर आए। अच्छा, आप उत्तराखंड से बाइक लेकर आए हो, सजेशन भैया ने दिया है। इनकी भी तो मेन ये है कि भाई साहब आए हुए हैं, कौन सी बाइक लेकर? देखो दो दो बाइक लेकर आए हुए हैं, एक आई देहरादून से और दूसरी नोएडा, दूसरी नोएडा से। तो देखो ये रही बाइक, इसके अंदर अभी वैसे तो भैया सिर्फ हमारे से जो करा पीपीएफ का काम करा रहे हैं, जो कि अंडर प्रोसेस हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और देखो जो काम होता है नीट एंड क्लीन होता है। देखो जैसे कि मैं हमेशा बता दूं ना कि अपने पास काम जो भी होगा नीट एंड क्लीन वाला होता है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे हो रहा है। और अभी जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको वो भी दिखाऊँ किस तरीके से हो रहा है इसके अंदर। और लुक चेक कर लो किस तरीके से आ रही है इसके भी। और बाकी इसमें काफ़ी सारा सामान ना कंपनी ने ला के दीजिए, मुझे लग रहा है गाड़ी पुरानी है। वैसे मैं ना मजाक कर रहा था, वो मजाक था, सीरियस में बाइक नहीं है बिल्कुल। देखो देखिए 447 किलोमीटर चली, मतलब भैया ने अभी 6 तारीख को लिया और लेने के बाद सीधा डिसाइड कर लिया था कहाँ जाना है, राजू भाई के पास जाना है, तो राजू भाई के पास आ चुकी है बाइक ये। और बाकी हम इसमें क्या क्या करेंगे वो भी आपको दिखा दें थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ तो करेंगे जब अब आई है ना, तो कुछ ना कुछ करके छोड़ेंगे इसके अंदर। और जिसने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना वो तो कर लेना, भाई का चैनल का नाम है Alpha07UK07। जैसे कि मैंने इसके अंदर दिखाया था आपको कावासाकी ZX ट्रेनर के अंदर, मैंने आपको दिखाई थी इसके अंदर लैमिनेशन पीपीएफ का वर्क जो कि आपने देखा था पहले, और उसके अंदर हमने क्या क्या किस तरीके से क्या क्या पार्ट किए थे। देखो बताऊंगा, मैंने सब बताएंगे भैया अपनी जुबानी, वीडियो के एंड में बताएंगे। उससे पहले दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हमने की है। तो सबसे पहले दिखाता हूँ इसके अंदर आपको शॉक प्रोटेक्शन और फॉक्स लैडर, इसका जो लगाने का हमारा जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आपकी डिस्क प्लेट, ABS प्लेट एंड आपके शॉकर, USG शॉकर एंड मरगार्ड, ये फ्रंट का जो जितना भी पोर्शन होता है ना ये पूरी तरह सेफ हो जाता है। क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी कहीं से भी साइड से हल्की सी लगती है तो यहाँ पर निशान आने की वजह से शॉकर डैमेज हो जाते हैं, और जब ये शॉकर और डैमेज हो गए तो आपको पूरा शॉकर नहीं डलवाना पड़ेगा, काफ़ी समय लगता है इसको आने के लिए। तो इसे लगाने का ये आपका पूरा पूरा बच जाता है, क्योंकि ये होता है आपका एल्यूमिनियम का, जो कि आपको हथौड़ा मारने से भी नहीं टूटेगा। समझ सकते हो जब हथौड़ा मारने टूटेगा तो टक्कर क्या टूटेगा। तो ये ब्लैक कलर का लगा देगा, वैसे तो ग्रीन भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं, बट क्या है भैया कह रहे हैं मुझे ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगी, लगती है ग्रीन, तो भैया ने थोड़ा ब्लैक मैचिंग दीजिए। तो इसके अंदर हम लगा दिया ब्लैक कलर की मैचिंग का, आपके दोनों शॉकर प्रोटेक्शन और फॉक्स लैडर दोनों चीज़ें आपकी लग चुकी है, इस तरफ भी एंड इस तरफ भी, दोनों तरफ देख सकते हो आप। और इससे होती है फुल्ली प्रोटेक्शन फ्रंट की, और उसके बाद साथ में इसमें देखने मिलेगी आप कोई भी टक्की ओरिजिनल इसके अंदर हमने लगा दी गई रेडिएटर गार्ड, जिससे आपका रेडिएटर होता है पूरी तरीके से सेफ। क्योंकि जब भी ये बाइक राइड करते हैं ना, तो राइड करते हुए क्या होता है पत्थर वगैरह लगने से ये आपका रेडिएटर को डैमेज करने कर देता है आपको पत्थर वगैरह, और इसे लगने से वो हो जाता है पूरी तरीके से सेफ। तो इसीलिए इसके अंदर लगा देगी आपकी ईवो टक्की। और इसे लगाने का एक और रीज़न बताता हूँ कि ओवर हीटेड नहीं होते, क्योंकि ये आपकी एल्युमिनियम की, अगर हम इसमें लोहे की लगाएंगे तो वो क्या होता है आपका रेडिएटर हीट करके वो वैसे भी ख़राब हो जाता है। तो इसके अंदर एल्युमिनियम की आपको ओरिजिनल मिलती है, तो इसलिए सेफ्टी के लिए लगा इसके अंदर रेडिएटर गार्ड। और साथ में इसमें लगा देंगे इसके अंदर देख सकते हो ओरिजिनल इसके अंदर फ्रेम स्लाइडर, जो कि आप देख सकते हो। तो ये जो फ्रेम स्लाइडर का जो यूज़ होता है पता है क्या होता है, जब भी बाइक आप राइड करते हो क्या होता है, अगर स्किट वगैरह होती है तो आपका जितना भी फेयरिंग पार्ट्स होता है ना इस पर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, डैमेज होने का खतरा होता है, तो उसे सेव करते हैं आपके फ्रेम स्लाइडर, जो कि आपके ZX ट्रेनर के अंदर हमने लगा दें। इस तरफ भी सेम मिलेगा आपको, उस तरफ लुक चेकआउट करो, लगने के बाद ना लुक भी एनहांस होती है और साथ में ना सेफ्टी हो जाती है। और साथ में इसके अंदर आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा मस्ती मजाक के अंदर ही, इसके अंदर लगा देंगे स्पूल्स, जो कि आपके पैडॉक स्पूल्स है, ये भी इसके अंदर लगा दें। लगाने से पता क्या होता है इस तरफ भी ये तो अगर दूसरा वाला पैडॉक था, इसके अंदर जो बड़ा वाला जो हैवी वाला पैडॉक होता है ना पैडॉक, वो आपके इस स्पूल्स के अंदर इजीली लग जाता है, जिससे गाड़ी गिरने का खतरा बिल्कुल ज़्यादा खत्म, आपका इसमें सेंट्रेशन होता नहीं है, तो उसको करता है सेफ। और जो लैमिनेशन की बात करें पीपीएफ की, वो देख लो लगने के बाद ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जो कि कहीं से आप जज भी नहीं कर सकते कि कहाँ पर की है और कहाँ पर नहीं है, चाहे ये पार्ट हो या आपका ये पार्ट हो या हो आपका फ्रंट का पार्ट। ये देखिए कोई सा भी पार्ट चेक कर लो, कहीं से भी आप जज नहीं कर सकते कि की है नहीं की है।
तो इसके अंदर हमने साथ में लगा देगा, इसके अंदर क्या एरो का फुल सिस्टम जो कि आप देख सकते हो, इसके अंदर हमने वो भी इंस्टॉल कर दिया गया है, देख सकते हो आप। और इसकी जो साउंड है ना वो काफ़ी लाउडेस्ट है। आपको पता है एरो जो एग्जॉस्ट है ना, ये एग्जॉस्ट का पापा कहलाया जाता है हमारी लैंग्वेज के अंदर। तो इसके अंदर मैं आपको साउंड सुना देता हूँ किस तरह के साउंड इसमें आपको आने वाली है आपकी ZX10R के अंदर। और ज़रूरी नहीं आपकी ZX10R, और भी कोई सी बाइक हो, आपकी सुपर बाइक, सभी के अंदर आपको हर वैरायटी के, हर कंपनी का आपको एग्जॉस्ट हमारी शॉप पर मिल जाते हैं, ओरिजिनल या रेप्लिका कुछ भी आप हमसे ले सकते हो। पहले साउंड सुना देते हैं। तो ये होती है इसकी आइडल पर, एंड दे दो थ्रोटल थोड़ी। रोड पर निकलने के बाद आप ही ले रहा हो, तो नहीं आने वाला है। एक बार दोबारा सुनाए इससे मैंने देखा। तो जी ये तो देखिए आपने इसकी, आपकी 10R की मॉडिफिकेशन, कावासाकी ZX10R की। और अब मिलाता हूँ एक बार भाई से, जिन भैया की बाइक है वो हमारे पास कैसे है, और भैया को कैसे पता लगा, और फिर उसका भैया को हमारा काम कैसा लगा। तो मिलाते हैं भैया, आइए भैया। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। और कहाँ से आए हैं, और आपको कैसा लगा जो भी वर्क है, आपने जो भी सोच कर आए थे, जो देख कर आए थे वीडियोस वगैरह, वैसा मिला या नहीं मिला? नहीं, 100% मैं जो सोच के आया था और जो उम्मीद लेके आया था उससे ज़्यादा मुझे मिला। और नो डाउट मैंने पहले भी काम कराया मुकुल बाग में, बट मुझे कहीं से कोई अच्छा नहीं लगा। बट फर्स्ट टाइम मैंने आपके पास अपना सुपर बाइक कराई है, मुझे आई थिंक मार्केट में अभी तक कोई मिला नहीं ऐसा जो इतना मुझे प्यारा काम लगा। फिनिशिंग एक नंबर है, और भैया तो वैसे भी ग्रेट हैं, हंसमुख भाई हमारे, बहुत प्यारा लगा एक्सपीरियंस। ऑल एक्सपीरियंस बेटर है, बहुत बढ़िया। और हमारा जैसे कोई भाई बंधु आना चाहे, कोई सी भी सुपर बाइक लेकर, नॉर्मल बाइक लेकर, तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी, आ सकते हैं हमारे व्यूअर्स से? नहीं बिल्कुल, आप मैं कहूँगा आंख बंद करके ट्रस्ट करके आइए, और बेफिक्र होकर बाइक छोड़ के जाइए कि आपकी बाइक में जो आपने काम करवाना, एक बार आप भाई को बता दो, काम आपका ऑलमोस्ट 100-200% आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलेगा। प्राइसिंग वगैरह कैसे लगे? वो बहुत जेन्युइन, मार्केट रेट में आपको बोलने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन भाई ने जो प्राइस मुझे दिए हैं वो मुझे कहीं नहीं मिले, और मुझे अच्छा लगा, अपने बजट के अंदर मेरा काम हो गया, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी बस। क्योंकि कहीं आप भी जानते हैं, अगर आप इंक्वायरी करके भी आते हैं वहाँ प्राइस कुछ और होता है, बाद में बिल कुछ और बनता है, वो नहीं रहा मेरा, वो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा भाई, एक नंबर। थैंक यू सो मच। अपना नाम और बता दो, और अपने चैनल का नाम भी बता दो। मेरा नाम कमल है, मैं बेसिकली वैसे देहरादून से हूँ, बट मैं नोएडा से ही आया हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, पास में मेरे लिए। और मेरा चैनल है Alpha UQ07 के नाम पर। जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, आना चाहते हैं देहरादून से, खासकर बहुत सारे राइडर हमारे दोस्त हैं जो भी आते हैं करोल बाग, आप एक बार भाई के पास विजिट करना। भाई का ऑलरेडी राजू भाई SKD के नाम पर आप सर्च करोगे गूगल पे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा आपको, और उनका वीडियो देखना, आपको एक एक एक्सपीरियंस आप लोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच भैया। ओके सर। तो ये थे भैया, और अगली जो मॉडिफिकेशन होने वाली है, इसकी विंडशील्ड चेंज करेंगे, इसमें लीवर गार्ड लगाएंगे, और इसके अंदर मोबाइल होल्डर भी इसके अंदर हम लगाएंगे। कुछ वर्क हैं जो भैया कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ छोड़ देते हैं इसके अंदर, तो वो फिलहाल के लिए छोड़ दिया इसके अंदर। नेक्स्ट टाइम आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखने को जल्दी मिलने वाला है, और एक और खुशखबरी मिलने वाली है। जैसे कि भैया क्या खड़ी है, ऐसे जल्दी कोई सी बाइक, सुपर बाइक आपको हमारे पास भी देखने मिलेगी जो कि हमारी पर्सनल है। आज मैं रिवील कर रहा हूँ, या तो दिवाली से पहले या दिवाली के बाद जल्दी ही डिलीवरी लूँगा। जो मैंने कहा था ना कि आपको मैं डिलीवरी लेने वाला हूँ जनवरी में, जनवरी नहीं है भैया अभी, या तो दिवाली से पहले है दिवाली के बाद है, सिर्फ उठा के लाने के लिए, मतलब सब कुछ जा चुका पैसा पूसा। कहने का मतलब ये था यार, समझो मेरी एक्साइटमेंट को यार, तो कहने का मतलब हमारे ऊपर है, हम जनवरी उठा के उसे ला सकते हैं अपने घर पर और अपने स्टोर पर। तो उसी के साथ भैया, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना। जिन भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा भी साथ में, हमारे भाई क्या नाम है Alpha UK07 को भी, और जिसको लोकेशन एड्रेस की प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप चाहो तो वहाँ से निकाल सकते, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ सामान इंक्वायरीज हो तो वो भी आपका मिल जाएगा, होम डिलीवरी आपके यहाँ घर तक पहुँच जाएगा, चाहे किसी भी बाइक का कैसे भी सामान हो। तो देखो एड्रेस लोकेशन वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, आप चाहो तो वहाँ से जाकर निकाल सकते हो, आ सकते हो। आपकी राजू भाई की शॉप जो मिलती है आपको दिल्ली के करोल बाग नावेलन के अंदर, बाकी कॉल करना कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।